नमस्कार, बीसीएन न्यूज की सुपरफास्ट 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। नाशिक में मौत का हुआ तांडव, ऑक्सीजन लीक ने ली 24 लोगों की जान। नाशिक मनपा द्वारा संचालित डॉक्टर जाकिर हुसैन कोविड अस्पताल में हुआ हादसा। राज्य में फुल लॉकडाउन शुरू, गुरुवार रात 8 बजे से होगा लागू। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने जारी किया आदेश। कोरोना वैक्सीन हुई महंगी, राज्य सब्सिडी देकर ही कर सकेंगे मुफ्त टीकाकरण। सीआईआई ने बुधवार को किए नए कीमतों की घोषणा। देश में 24 घंटे के भीतर 2,95,000 से ज्यादा मरीज आए सामने, 230 लोगों ने गवाई कोरोना के चलते जान। शहर में 24 घंटे के भीतर 7,000 से ज्यादा मरीज हुए कोरोना से ठीक, 7,229 नए मामले आए सामने, 98 लोग चले कोरोना के बलि। देर रात तक चला हाईकोर्ट का सेशन, आखिरकार सातों कंपनियां हुई इंजेक्शन देने को तैयार, 6,752 इंजेक्शन शाम तक हो गए वितरित। डीसीपी जोन 4 ने 3 युवकों को जाल बिछाकर पकड़ा, 35,000 में बेच रहे थे एक रेमडेसिविर। मिलिट्री अस्पताल में बेड अधिग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं, कामटी के तहसीलदार हिंगे ने किया स्पष्ट। कोविड अस्पताल ही वेंटिलेटर पर, 2 से 5 घंटे का ही ऑक्सीजन स्टॉक, राशनिंग से बढ़ गई समस्या, विस्तार भी रुका। मनमाने पैकेज से आर्थिक बदहाल हो रही जनता, मध्यम वर्गीय फंसे कर्ज के जाल में, कोरोना कर रहा कंगाल। बीसीएन न्यूज की सुपरफास्ट 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।